नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Infinix Zero 5 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने जो है वो अपनी वेबसाइट पे इस फोन को जो है 22 नवंबर से लॉन्च कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Infinix Zero 5 के बारे में, क्या है इस फोन की प्राइस, क्या होगा इस फोन का स्पेसिफिकेशन, और ये फोन सच में बेहतरीन फोन है या नहीं 15 से 20 हज़ार की रेंज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वक्ता टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मार्केट में जो है वो 15 से 20 हज़ार में बहुत ही बेहतरीन मोबाइल मिलते हैं और ये मोबाइल जो है वो काफ़ी अच्छी कमाई कर लेते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट ने जो है वो अपना Zero 5 लॉन्च किया। तो शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले के साथ। तो इस फोन में जो है आपको मिलता है 5.98 इंच का डिस्प्ले, काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है। लगभग ये डिस्प्ले 6 इंच का डिस्प्ले है जो कि कवर्ड है 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ में, मतलब कि काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है। बट इस फोन में जो है आपको 18:9 रेशो नहीं मिलता, तो ये वीक पॉइंट है इस फोन के डिस्प्ले का। बट डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बड़ा मिलता है आपको इस फोन में। दोस्तों बात करें इस फोन की पावर की, तो काफ़ी बढ़िया पावर है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में जो प्रोसेसर लगा है वो लगा है मीडियाटेक का P25 ऑक्टा कोर, जो कि वर्क करता है 2.6 GHz पे, मतलब कि काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर लगाया गया है इस फोन में। और बात करें इस फोन की रैम की, तो इस फोन में आपको मिलती है 6 GB की बहुत ही बड़ी रैम, और जिसका फोन का स्टोरेज है वो है लगभग 64 GB का स्टोरेज, जिसे आप एक्सपांड कर सकते हो 128 GB के साथ में, मतलब कि बहुत ही बड़ी रैम, बहुत ही बढ़िया स्टोरेज। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी लाइफ की, तो इस फोन में भी आपको बहुत ही बड़ी बैटरी मिलती है। इस फोन में आपको मिलती है 4350 mAh की बैटरी, जो कि लगभग 1 से 2 दिन तक चलेगी। और दोस्तों अगर आप है गेम के बहुत ही शॉकिंग, तो आपके लिए ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस फोन में आपको मिलता है 6 इंच का डिस्प्ले, बढ़िया रैम, बढ़िया प्रोसेसर और बहुत ही बढ़िया बैटरी। सो अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको ये फोन जरूर ट्राई करना चाहिए। बात करें इस फोन की कैमरा की, तो काफी बढ़िया कैमरा है इस फोन में आपको मिलते हैं डुअल कैमरे। जी हाँ दोस्तों, अभी तो सभी मोबाइल में आने लगे, तो इस मोबाइल में भी आपको मिलता है डुअल एक्स कैमरा, जो कि 12 और 13 MP का, जो कि वाइल्ड एंगल लेंस एंड टेलीफोटो लेंस, मतलब कि काफ़ी बढ़िया फोटोज खींच सकते हो। अब बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा भी में आपको मिलता है 16 MP का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कैमरा है फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे, तो आप काफ़ी बेहतरीन फोटोज खींच सकते हो आप इस मोबाइल से। इस फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड की नोगट 7.0, और इन्होंने ऑफिशियली भी कहा है कि इसे आप अपडेट कर सकते हैं वन स्टेप आगे, मतलब कि इस फोन में आपको मिल सकता है ओरियो का वर्जन। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सेंसर की, तो इस फोन में जो आपको सभी तरह के सेंसर मिलते हैं, और इस फोन में भी आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी सभी सेंसर जो कि हर किसी मोबाइल में होते हैं। अब बात करते हैं इस फोन को जो है वो आप कैसे चार्ज करेंगे, मतलब कि कितने जल्दी चार्ज करेंगे। तो इस फोन में जो है वो टाइप सी का पोर्ट लगाया है, मतलब कि ये फोन जो है आप लगभग 1 से 1.5 घंटे में, मतलब कि फास्ट चार्जिंग को भी ये फोन जो है वो सपोर्ट करता है। सो ये थे हमारे Zero 5 के स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, तो ये फोन जो है आपको मिलेगा सिर्फ एंड सिर्फ फ्लिपकार्ट पे, और वो भी 18,000 में। 22 नवंबर से ये फोन जो है वो फ्लिपकार्ट पे आ गया है, तो आप इसे फ्लिपकार्ट पे से बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन को बाय करें या नहीं, अगर आप अच्छा गेमिंग करना चाहते हो तो आप जरूर इस फोन को बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस फोन में आपको बढ़िया प्रोसेसर, बढ़िया बैटरी और बढ़िया डिस्प्ले भी मिलता है। बट अगर इस फोन का ड्रॉबैक देखा जाए, तो इस फोन में आपको 18:9 का रेशो नहीं मिलता, मतलब कि बेजललेस डिस्प्ले नहीं मिलता, बस यही ड्रॉबैक है। बाकी जो है वो फोन ही बहुत ही बढ़िया है। वैसे आप शाओमी का जो भी है वो ट्राई कर सकते हैं, A1 मोटो का भी ट्राई कर सकते हैं। तो बट अगर देखा जाए तो ये फोन जो है वो काफ़ी बढ़िया है। अब अगर आपको लेना चाहे तो आप जो है ये फोन फ्लिपकार्ट पे सेल ले सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो YouTube चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।